शुक्रिया दोस्त, तुम बहुत स्वादिष्ट थे। ये बच्चा एक राक्षस है। एक राक्षस? मुझे शरारती बच्चे बहुत पसंद है, वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर तुम कोशिश करो तो अच्छी बन सकती हो। हाँ, फिर से सोच लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं ये दलिया नहीं खाने वाली। ऐसा लगता है कि आप नानी ढूंढ रहे हैं, है ना? खैर, तो मैं यहाँ हूँ। ओह, तुम सब कितने स्वादिष्ट लग रहे हो। खैर, मुबारक हो, अब तुम लियाना की नई बेबी सिटर हो। हे, ये सब क्या है? हे, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुम एक दूसरे को पहले से ही जान चुके हो। ये बहुत अच्छी बात है, सब बढ़िया होगा। वैसे मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। मजे करो लड़कियों। बाय मॉमी, लव यू। रास्ता साफ है और डिनर परोस दिया गया है। पता है क्या, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खा सकती हूँ। खैर, तुम आज नहीं खा पाओगी दोस्त। वो क्या था? ओह, बस पानी और बेशक कुछ पंख भी। तुम्हें तो पता ही है, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। लियाना, ये सब बंद करो, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कॉर्टनी। ओह, तुम एक वैम्पायर हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अच्छे से रहोगी? बेबी सिटर्स इसी का ध्यान रखते हैं, है ना? ओ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेबी, अपने खाने के मजे लो। ओह, मुझे कुछ वैम्पायर्स वाला काम करना है। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, फिर मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करती हूँ। खैर खैर, चलो यहाँ देखते हैं। सीरियल, ये बोरिंग है, अब ये ज्यादा मजेदार है। मैं सोच रही हूँ कि क्या कॉर्टनी को प्रैंक्स पसंद है। चलो देखते हैं कि उसे पसंद है या नहीं। नानी, आप कहाँ हो? मैं आ रही हूँ स्वीटी, क्या हो रहा है? यहाँ क्या हुआ? तुम्हारा सिर अलग कैसे हो गया? हे, परेशान मत हो, ये सिर्फ एक प्रैंक है। एक प्रैंक? ये क्या है? अब वक्त आ गया है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे पहले लियाना का ख्याल रखना होगा। ओह, हम हाइड एंड सीक क्यों नहीं खेलते? लियाना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाओ, हाइड एंड सीक, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। पहले मैं छुपूंगी, ठीक है? तैयार हो या नहीं, मैं आ गई। तुम कहाँ हो कॉर्टनी? हटो दोस्त, अब ये मेरी जगह है। मुझे बहुत नींद आ रही है। आहा, ढूंढ लिया। यहाँ कोई नहीं है, शायद यहाँ। ढूंढ लिया। आह, तुम्हें क्या हुआ है कॉर्टनी? ओह हाँ, मुझे टेबल के नीचे देखना चाहिए। आह, ये बहुत डरावना है। ठीक है, शांत हो जाओ लियाना, स्केलेटन्स अपने आप नहीं हिलते। मुझे बस वहम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे पता है कि उसे कहाँ ढूंढना है। बच के रहना कॉर्टनी, मैं तुम्हें पकड़ने आ रही हूँ। चलो भी, यहाँ भी नहीं है, ये बहुत गलत है। आह, लाइट्स बंद कर दो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, इसका मतलब है कि तुम हार गई। ओह डेनिस, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है। ओह नहीं, मुझे देर हो रही है, चलो जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ। सब हो गया, बहुत अच्छी लग रही हो कॉर्टनी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो बेबी, हमेशा की तरह। ओह, तुम बहुत अच्छे हो। ये शोर कैसा है? तो फिर मैं उससे मिलने चली गई। तो तुम यहाँ हो लवबर्ड्स? माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी डेट कैंसिल कर रही हूँ। ओह हनी, तुमने अभी तक अपनी कॉकटेल को हाथ भी नहीं लगाया। आह, इसमें गार्लिक है, रेसिपी ये नहीं थी। मेरा मुंह जल रहा है, मदद करो। ओह भगवान का शुक्र है कि ये काम कर गया, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। खैर, मुझे पता है, गार्लिक हमारे प्यार के रास्ते में नहीं आ सकता। मैंने बहुत लंबे वक्त से इसका सपना देखा है, शादी मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी बेबी सिटर है, किसी और की नहीं। क्या गड़बड़ है, तुम जल रहे हो। गुड बाय, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी।
लिजी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या टेस्ट में तुम आज मेरी मदद करोगी? मुबारक हो, अब तुम असल में एक लूजर हो। क्या क्या कोई है? आओ, तुम्हें मुझे चीटिंग करने देनी चाहिए थी। ओह हाय एडम, थोड़ी देर यहीं रुको। अगर तुम्हें क्लास में जाना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मदद करो, मुझे लूटा जा रहा है। इतने रोंदू मत बनो एडम। लियाना, ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारे ऑनर स्टूडेंट को अभी जाने दो। जैसा आप कहें मिस मैरी। लियाना, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। तुम पूरे स्कूल को परेशान कर रही हो, ये नहीं चलेगा। हाँ, मेरी प्यारी बच्ची ने क्या किया है? इस प्यारी लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया है, उसे यहाँ से ले जाओ। मेरी माँ मुझे मार डालेगी। नानी कॉर्टनी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ओह जरूर स्वीटी। लियाना यहीं रहने वाली है। मैं अभी के अभी रिजाइन कर रही हूँ। तुम अब तक की सबसे अच्छी नानी हो। ठीक है, इतना काफी है। ओह केन, तुम कहाँ हो? मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। केन छुट्टियों पर है। लियाना, जरा इस गंदगी को देखो। ओह नहीं, मेरी बेचारी डॉल, बिना सर के वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ओह स्वीटी, मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। सच में? तो क्यों ना हम थोड़ा मेकओवर करें? मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। लियाना, मैं ऐसे और नहीं रह सकती। ये लो, एक बार देखो। सच में? तुम्हें पता है ना कि मैं एक वैम्पायर हूँ। ठीक है, ओह ठीक है, मैं बस एक पोर्ट्रेट बनाऊंगी। मैं नहीं देख सकती। क्या तुम कुछ भूल नहीं रही? ठीक है, तो प्लीज बैठ जाओ, मैं तुम्हारे हेयर स्टाइल पर काम करने वाली हूँ। हे, हिलना बंद करो मिस बेबी सिटर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। इस भयानक चीज को बंद करो। मेरे अनमोल बाल, इन्हें क्या हुआ? चलो कुछ हेयर क्लिप का इस्तेमाल करें। ठीक है। खैर स्वीटी, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, लेकिन मुझे एक बेड टाइम स्टोरी सुननी है। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। बेड टाइम स्टोरी के लिए कभी देर नहीं होती। ठीक है। हे, क्या सब ठीक है नानी? यहाँ कोई नानी नहीं है स्वीटी, मैं बस एक फेरी हूँ, और ये फेरी तुम्हें सोने के लिए कह रही है। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। ओह अच्छा, यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरी बेबी सिटर वापस चाहिए। ओह लियाना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि इस सिचुएशन को ठीक करने में वेंसडे हमारी मदद कर सकती है। यहाँ से निकल जाओ। शू, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती कॉर्टनी। ओह ठीक है, मैं हार गई लियाना। वो मुझे सोने से पहले बिल्कुल इसी की ही जरूरत थी। लियाना, ओह मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। क्या घर पर कोई है? ये टेडी की जगह है, हम डिनर करने वाले हैं। क्या किसी ने डिनर कहा? लियाना, तुम स्वादिष्ट लग रही हो। ओह तुम सही हो, हम थोड़े नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह नहीं, होश में आओ कॉर्टनी, वो सिर्फ एक बच्ची है, मुझे जल्दी करना होगा और डिलीवरी लेनी होगी। नहीं, ओह अब तुम कुछ पसंद आ रही हो। बढ़िया सर्विस है। अरे यार, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, अंदर आ जाओ। डियरी शर्माओ मत। मैं कहाँ हूँ? क्या तुम मुझे किडनैप कर रही हो? ओह मिस जेन, आप हमसे मिलने आई हैं। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, मेरे पास कुछ टेस्ट है। तुमने बहुत अच्छा किया है लियाना, इसमें तुम्हें A+ मिलना चाहिए। तुमने मेरा डिनर बर्बाद कर दिया। मॉम आज वापस आ रही है, आखिरकार मैंने उन्हें बहुत मिस किया। क्या आपने अपनी छुट्टियों पर मजे किए? मिस मेरी, क्या आप ठीक हैं? ओह हाँ, मैं बढ़िया हूँ। ओह ये नुकीले दांत आप पर सच में अच्छे लग रहे हैं, क्या तुम्हें मेरे जैसा पेयर चाहिए? ओह मिस मेरी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। नैनी चुनने का काम शुरू करते हैं, सबसे अच्छी वाली जीतनी चाहिए। एक सेकंड रुको, एक कॉम्पिटिटर वैम्पायर है। हेलो, मुझे लगता है कि हमें निकलना चाहिए। ओह तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज हमें कुछ मत करना।
हे, ये शोर कैसा है? ओप्स, क्या आप नानी हो? नानी मेरा मतलब है। बिल्कुल मैं ही हूँ। आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। चलिए अंदर आ जाइए। ये हमारा लिविंग रूम है। मुझे लगता है कि ये आम है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है। आउच, वाओ, आपके बाल कितने सुंदर हैं। मुझे लगता है कि रिबन के साथ ये और भी अच्छे लगेंगे। तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ, क्या हुआ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी प्यारी हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेबी को खुश रखो। हाँ, सही कहा। मैं वादा करती हूँ कि आपको कोई पछतावा नहीं होगा। तो डील पक्की। बढ़िया, अब मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट है। हम मिलकर बहुत मजे करेंगे। वैम्पायर बेबीसिटर की जिंदगी में कोई भी पल बेकार नहीं होता। मेरे साथ खेलो नानी। चलो भी आ जाओ, थोड़ा सब्र रखो। नहीं, चलो भी मेरे साथ बेड पर कूदो। मुझे बस थोड़ी देर शांति चाहिए। क्या तुम ये कर सकती हो? लेकिन मैं खेलना चाहती हूँ। वाह, मुझे पता है, क्यों ना हम हाइड एंड सीक खेले। मुझे हाइड एंड सीक बहुत पसंद है। खैर, तो फिर मैं छिपती हूँ और तुम मुझे ढूंढो। हमारी वैम्पायर वाली सुपर पावर्स यहाँ सच में बहुत काम आएंगी। एक, दो, तैयार हो या नहीं, मैं आ गई। वो कहाँ छिपी है? ओह, शायद वो बेड के नीचे है। ओह, यहाँ कोई नहीं है। खैर, इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। नानी एलिस, आप कहाँ हो? ओह, शायद वो पर्दे के पीछे है। नहीं, सूरज ये जला देता है। तो आप यहाँ हो, मैंने आपको ढूंढ लिया। अब आपकी बारी है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ये सबसे बढ़िया जगह है। ठीक है, तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस अपनी वैम्पायर वाली सेंसेस का इस्तेमाल करूँगी। हाँ, ढूंढ लिया। हे जूलिया, तुम कहाँ छिपी हो? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। हे, हमारी गेम का क्या हुआ? मैं आपके बारे में मॉम को बताऊंगी। लेकिन रुको, मुझे लगता है कि मैं आपको खुद ही सबक सिखा सकती हूँ। बस एक नॉर्मल प्रैंक ही काफी होगा। नानी एलिस, उठो, क्या हो रहा है? ओह हाँ, जूलिया, आपने बहुत देर कर दी। मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। ये काम कर गया। मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत मजे करेंगे। नानी बनना सच में बहुत मजेदार है। मैं नाइट हूँ। ओह, और देखो, मेरे पास अपने वैम्पायर वाले पंख भी है। मैं उड़ सकती हूँ। हे हे, जरा मुझे देखो। ओह, तुम बहुत मजाकिया हो। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही। हे नानी एलिस, मुझे एक वैम्पायर में बदल दो प्लीज। ये लो, आप मुझे मेरे हाथ पर काट सकती हैं। तुम्हारा वहम है, जब तक आप ये नहीं करेंगी मैं रोती रहूंगी। नहीं मतलब नहीं जूलिया, लेकिन प्लीज। ठीक है, चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये लगभग असली जैसा लग रहा है। अब थोड़ा चेरी जैम डालते हैं, बस इस तरह। चलो परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। एक, दो, तीन। हे भगवान, आपने मुझे काट लिया। अब मैं एक वैम्पायर हूँ। ये रहे फैंग्स और ये रहा काटने का निशान। तुम्हारी मॉम मुझे मार देगी। गुड बाय मेरी दुनिया, मुझे माफ कर दो प्यारी बच्ची। अब मैं एक वैम्पायर हूँ। बूप्स, मेरे फैंग्स टूट गए। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। बस बहुत हुआ, तुम्हें सजा मिलती है। सफाई करना शुरू करो। कुछ लोगों को मजाक बिल्कुल समझ नहीं आते। हमारी वैम्पायर ग्रैंडमा हमेशा सबसे अजीब वक्त पर ही आती है। ग्रैंडमा, आपने मुझे कैसे ढूंढा? हेलो मेरी प्यारी बच्ची। ओह, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाय मिस वैम्पायर, मैं जूलिया हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ग्रैंडमा, प्लीज अपनी तमीज मत भूलो। ये रहा ब्लड टी का एक बढ़िया गरम कप, आपकी मन पसंद। थोड़ी रोजमेरी डालना नहीं भूल सकती। हे ग्रैंडमा, क्यों ना हम एक ब्रेक ले और कुछ बातें करें। अपने बड़ों को बीच में रोकना अच्छा नहीं होता।
एंटी वैम्पायर प्रोटोकॉल को चालू करने का वक्त आ गया है। गार्लिक, ओह मुझे गार्लिक बिल्कुल नहीं पसंद। बच्चों याद रखो, वैम्पायर्स के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। जरा इस स्वादिष्ट छोटी लड़की को देखो। इतनी जल्दी नहीं ग्रैंडमा, बस एक सेकंड के लिए मेरे साथ आओ। आप कुछ देर यहीं आराम से क्यों नहीं बैठती? रिश्तेदार बहुत परेशान कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत गेम्स खेल ली, चलो सोने जाओ। मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। हाँ तुम्हें नींद आ रही है, अच्छी लड़की। चलो अब ग्रैंडमा के मुद्दे पर वापस आते हैं। ये ज्यादा बेहतर है। स्ट्रांग रहो एलिस, तुम सो नहीं सकती। बहुत बढ़िया, मुझे अभी के अभी यहाँ से निकालो। हे बेवकूफो, ये रही मेरी स्वादिष्ट ट्रीट। खैर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसा लगता है कि एलिस ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, कुछ भी चलेगा। लेकिन ये लोग नहीं, प्लीज माफ करना, लेकिन इस बार आपने मुझे मजबूर कर दिया। फिर मिलेंगे ग्रैंडमा। बिल्कुल तमीज नहीं है। लड़कों और लड़कियों, अब टेस्ट का समय है। फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब काम पर लग जाओ, समय बहुत कम है। हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मुझे इसमें जरूर F मिलेगा, या शायद मैंने अपना पैनिक बटन कहाँ रख दिया। मेरी नानी इसमें मेरी मदद करेंगी। जूलिया खतरे में है, परेशान मत हो, इस आदमी से मैं निपट लूंगी। नहीं, मुझे बस टेस्ट में आपकी मदद चाहिए। मैंने बिना बात के अपनी उम्मीदें बढ़ाई। ये रहे सारे जवाब, मुझे मिल गए। क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रही हैं। नंबर दो का जवाब तीन है, यहाँ क्या चल रहा है? माफ करना मिस्टर जॉनसन, ब्ला ब्ला क्या बकवास है। ई बराबर है एमसी स्क्वायर के। शुक्रिया एलिस, सब हो गया, अब कॉपी करना शुरू करो। आप दुनिया की सबसे अच्छी नानी है। वहाँ कौन है? जो मैंने अभी देखा, उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हालांकि कोई बात नहीं, करते रहो। नहीं बस बहुत हो गया, रुको, हमारे पास यहाँ क्या है? ओह शुक्रिया नानी, ये मेरा फर्ज था। हे दोस्तों, ये रहे सारे जवाब। मेरा काम पूरा हो गया मिस्टर जॉनसन। बहुत बढ़िया जूलिया, अच्छा काम किया। एक ए, वाओ बहुत अच्छे। ठीक है, बस काटना मत। ठीक है नानी एलिस, मुझे भूख लगी है। मेरा नाश्ता कहाँ है? ओह ठीक है, चलो तुम्हारे लिए सीरियल बनाते हैं, इससे इसका स्वाद बेहतर हो जाएगा। खैर मजे से खाओ। यू, मैं ये नहीं खाने वाली। क्या इसके बदले मुझे पिज्जा मिल सकता है? अगर तुम्हें ये चुप रखेगा तो ठीक है। डिलीवरी, ये लीजिए, गर्मा गर्म और खाने के लिए बिल्कुल तैयार। यू, क्या ये गार्लिक है? ओह मैं ये नहीं खाने वाली। ओह पिज्जा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पैसे रख लो, आप बहुत अच्छी हो और बहुत भूखी भी। मेरा पेट फटने वाला है। मेरा भी। अजीब बात है। खैर मैं इसे बस एक सुवीनियर की तरह रख लेती हूँ। आपके पास ये क्या है नानी? कुछ भी नहीं। और फिर वो हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। मुझे हैप्पी एंडिंग्स पसंद नहीं है। खैर गुड नाइट छोटी जूलिया। वहाँ कौन है? ओह नहीं मॉन्स्टर्स, ये बहुत डरावना है। नानी एलिस उठो, मेरे बेड के नीचे एक भयानक मॉन्स्टर है। खैर चलो देखते हैं। थिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोस्त? उसके बेडरूम से बाहर निकलो। शू शू। स्वीट ड्रीम्स हनी। हे एलिस, खिड़की पर भी कोई है, उससे मैं निपट लूंगी। ठीक पर्दे के पीछे। हे दोस्त, अब तुम फंस गए हो। ठीक है
अब तुम फिर से सोने जा सकती हो। हे, अब क्या गड़बड़ है? मुझे अलमारी से घुर्राने की आवाज आ रही है। ओह, ये तो बस होता ही रहता है। हाँ। हगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। बच्चों को डराने का यही नतीजा होता है। ठीक है, आखिरकार अब हमारा काम हो गया। बेड पर वापस जाओ। हेलो, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मान जाइए ना। ओके। अच्छा ठीक है। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ओह, ऐसा लगता है कि जूलिया को स्कूल में परेशान किया जा रहा है। वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? वैम्पायर नानी बचाने के लिए आ गई है। हे, क्या बात है? हनी, तुम्हारे साथ ये किसने किया? ये सब मेवी और जॉन ने किया है। चलो और मुझे इन बदमाशों से मिलाओ। वो कहाँ है? वहाँ देखो, यहाँ फिर से कौन आ गया। टाइम स्टॉप। मुझे ये ट्रिक बहुत पसंद है। चलो अब इन बुरे बच्चों को सबक सिखाएं। क्या ये सुंदर नहीं है? और एक और चीज, टाइम स्टॉप रिलीज। ये क्या था? चलो यहाँ से निकले, फिर मिलेंगे लूजर्स। शुक्रिया एलिस, ये मेरा फर्स्ट था बच्ची। पोशंस बनाने से बेहतर आराम करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। अब हमें बस एक सेंटीपीड डालना है। ओह, ये कितना बढ़िया है। फिर आप अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर इसे उबलने के लिए छोड़ दें। ओह, मैं सबसे जरूरी हिस्सा लगभग भूल ही गई थी। हमें एक बनाना का छिलका भी डालना होगा। मुझे लगता है कि हमें ये भी डालना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा ब्यूटी पोशन तैयार हो गया है। अब मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनते हुए देखो। हे, ये बम्प कैसे आ गया? जरूर कोई गलती हुई है। नोकीले कान भी, ये भयानक है। नानी एलिस एक गॉब्लिन की तरह लग रही है। तुमने क्या कहा? तो ये तुमने किया है? हाँ। ओह, तुमसे तो मैं अभी निपटती हूँ। मीनर, आओ। अभी क्या, अभी अपने कमरे में वापस जाओ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा एंटीडोट अभी भी ताज़ा होगा। खैर, सब ठीक हो जाएगा। ओह हाँ, मैं फिर से पहले जैसे हो गई। माफ कर दो एलिस, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। खैर, अगर ऐसा है तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अच्छे से सोना प्यारी जूलिया। क्या हो रहा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं, परेशान मत हो, ये बस सो रही है। हे बच्ची, उठो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मॉम, आप वापस आ गई। भगवान का शुक्र है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। ऐसा लगता है कि इस नानी का काम यहाँ पूरा हो गया है। मेरी बच्ची का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। आखिर में इस कहानी का मॉरल ये है कि वैम्पायर्स कमाल के होते हैं। ब्रेकफास्ट तैयार है, अपने खाने के मजे लो। जैक, ये ट्रेनर बहुत ही स्वादिष्ट था। हे भगवान, अब ड्रैकुला के नाम में क्या है? जरा ये देखो जैक, उसके अंदर कुछ है। ये बहुत अजीब लग रहा है। ओह, ऐसा लगता है कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले पिकाचू। तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम एक इज्जतदार वैम्पायर फैमिली का हिस्सा हो। तुम्हारी मॉम और मैंने एक साथ कई शानदार एडवेंचर्स किए हैं। वाह, आप बहुत अच्छे हैं। तुम यहाँ रह सकती हो पिकाचू। क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? ये एक स्केलेटन है। वूप्स, माफ करना, चलो उसे बाहर निकाले। हमने काफी वक्त से इस जगह पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, कॉफिन में सोना होगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। चलो मेरी पॉकी बॉल को यहाँ पर लगाते हैं। खैर, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन फिर भी बहुत खूब। हमने एक पॉकेबॉल बेड बना लिया है। ये हर एक पॉकेमॉन का सपना है। अब ये जगह और भी प्यारी हो गई है। पिका, पिका, तुम कौन हो? ये मेरा घर है। तुमने सुना? मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो माफ करना, मेरी गलती है।
चलो देखते हैं कि तुम्हें मेरी सुपर मूव्स कैसे रखती हैं। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ओ, तुम कोई आम बैट नहीं हो। पिता, अपने दांत मुझसे दूर रखो। मॉम, डैड। मॉम, आखिरकार आप यहाँ आ गई। आपकी ट्रिप कैसी रही? भयानक। मुझे इस पोकेमोन को सबक सिखाने दो। नहीं नहीं मॉम, शांत हो जाओ। पिकाचू इस फैमिली की एक मेंबर है। पिकाचू, हम इस घर में बैट्स का शिकार नहीं करते। हमने आपको बहुत मिस किया मॉमी, मुझे कहना होगा। मैम, आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह शुक्रिया। ये लो, मैं ट्रांसिल्वेनिया से तुम्हारे लिए ट्रीट्स लाई हूँ। मजे करो। खून वाली आइसक्रीम। शुक्रिया मैम। डैड, मुझे चोट लग गई, मेरी उंगली कट गई। ओह, ग्रैनी के पास आओ। स्वीटी, ये लो, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। ओह शुक्रिया जैक। ये लो, एक तुम्हारे लिए भी। ग्रैनी तुम्हारी मदद करने आ रही है। ओ नहीं, कोई उन्हें रोको। ओ, ये कैसी गड़बड़ है। मैं तुम्हें बचाऊंगी पिकाचू। जल्दी से अपनी पॉकेटबॉल में छिप जाओ। मैं तुम्हारे लिए आ गई स्वीटी पाई। हे, ये क्या हुआ? वो स्वादिष्ट बच्ची कहाँ गई? ओ नहीं, मैंने अभी ये डेंटिस्ट लगवाए थे। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा और मेरे डेंटिस्ट का बिल भी। अब सब ठीक हो गया है। पिकाचू, क्या तुम ठीक हो? बस ग्रैंडमा से नाराज मत हो, ठीक है? पोकेमोन, ये हमारे वंश के लिए कितनी शर्म की बात है। आज किसी मेहमान ने आना था क्या? मैं दरवाजा खोलता हूँ। हेलो, यहाँ जांच होने वाली है। हमें पता चला कि हमारे बीच में एक पोकेमोन है। मुझे एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं अभी वापस आता हूँ। उठो और सुनो, सब लोग हमारे पड़ोसी पिकाचू को ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है कि वो वैम्पायर नहीं है। ठीक है, घबराओ मत, अपनी ग्रैनी को इससे निपटने दो। ये लो, मेरे डेंटर्स लगाओ। नहीं, इसके अलावा कुछ भी। ओह, ये रहा तुम्हारे लिए एक अलग सेट। पिकाचू, ये मेरी कलेक्शन में सबसे अच्छा है। शुक्रिया डैड, मुझे ये बहुत पसंद आए। तुम किसी भी बात के लिए परेशान मत हो। बेबी, हम तुम्हारा अच्छे से भेष बदल देंगे। तुम्हें एक वैम्पायर अंडरकवर बनना होगा। लगभग हो गया, अब हमें थोड़ी बर्फ लगानी होगी। बस बहुत हुआ, मैं आ रहा हूँ। तुम कमाल की लग रही हो पिकाचू। वो आ रहा है। ठीक है, अब अपनी जगह ले लो, पूरी फैमिली यहाँ है। अच्छी बात है। और ये रही बच्ची, चलो देखते हैं। थैंक्स, चेक, अभी तक सब सही है। अब टेम्परेचर देखते हैं। बहुत खूब, बर्फ की तरह ठंडा है। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, क्या तुम हमारे लिए बैट बन सकती हो? मेरा पर्दा फाश हो गया है। अभी नहीं हुआ पिकाचू, मुझे पता है कि क्या करना है। क्या तुम तैयार हो बेबी? तो चलो फिर शुरू करें। क्या तुमने देखा? कमाल कर दिया, क्या टैलेंट है। मानना पड़ेगा, ये कमाल की चाल थी। सही कहा। तो फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब यहाँ क्या हो रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो आखिरकार वो वैम्पायर नहीं है। हम फंस गए। नहीं, अभी नहीं मेरी बच्ची। ठीक है, बस कोई बेवकूफी मत करना। अब आराम करो और अपना ही घर समझो। क्या हमारे पास कुछ खाने के लिए है? ओह, मैं इसी को ढूंढ रही थी। टमाटर का जूस, मेरा मन पसंद। मजे से पीऊंगी। ये जूस नहीं है, 2007 का है। बहुत गलत हुआ, ये खून था। मॉम और डैड को सुधारा नहीं जा सकता। खैर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि इसका क्या हल है। मुझे केचप चाहिए, जल्दी और बहुत सारी। ओह शुक्रिया, आपकी डिलीवरी सर्विस शानदार है। क्या आज रात हमारे यहाँ मेहमान आने वाले थे? पिकाचू, यहाँ क्या हो रहा है? मॉम, डैड, ये आपके लिए है। आप कभी कभी वेजिटेरियन खाना क्यों नहीं खाते? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये लड़का, ये स्वादिष्ट लग रहा है। तुम डिनर के लिए हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाते? मॉम, डैड, ये सब बंद करिए। अब से कोई खून नहीं पिएगा, आपको सिर्फ केचप मिलेगी। पिका, ओह चलो भी, क्या ये मजेदार नहीं है? ठीक है, मुझे सच में यहाँ से निकलना चाहिए। उस लड़के को क्या हुआ? अजीब है। हे, ये सच में बहुत अच्छी है। ओह हाँ, ये स्वादिष्ट है। शुक्रिया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हे पोकेमोन, तुम हमारे स्कूल में क्या कर रही हो? पिका, ओह मैं समझ गई, तुम एक लूजर हो। तुम जाकर ऐसी जगह ढूंढो जहाँ लूजर रहते हो। तुम कितने बुरे हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जरूर सिखाओ लूजर, अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। क्या तुम कभी असली वैम्पायर से मिले हो?
तो फिर मेरे पेरेंट्स को हेलो कहो। मॉम, डैड, वो मुझे तंग कर रहे हैं। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जैसे शरारती बच्चों के साथ क्या होता है? भयानक चीजें। हनी, तुम कुछ देर यहाँ क्यों नहीं लटकती? हमें ज्यादा मिस मत करना। मुझे लगता है कि हम पेरेंटिंग के मामले में बहुत अच्छे हैं। अब थोड़ी आजादी से मस्ती करने का वक्त है। मुझे चीजों को पकड़ना बहुत पसंद है। ये बहुत मजेदार होता है। पिकाचू, ये कैसी तबाही है? ओह, मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पंजे काफी बड़े हो गए हैं। खैर, हम इसे ठीक कर सकते हैं। जैक, नहीं, ऐसा मत करो डैड। आपको सच में मेरी पर्सनल स्पेस की इज्जत नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको अपने पंजों के पास नहीं आने दूंगी। रुक जाओ, चलो तुम्हें ब्यूटी सैलून ले चलते हैं। आपको इसी से शुरुआत करनी चाहिए थी। मॉम, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हे भगवान, ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ। ये बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लग रहे। अब बेहतर है, मैंने अच्छा किया ना? मॉम, डैड, आपका क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छे लग रहे हैं स्वीटी। ठीक है, चलो अब तुम लड़कियों को वापस घर ले चलते हैं। क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? ओ हाँ, हम भूल रहे हैं। हाँ, हम लंच करना भूल गए। ओ, क्या आप डेजर्ट में गार्लिक खाएंगे? चलो चले जैक, ये जगह खतरनाक है। ये लो, अभी हमारे पास बस इतने ही है। ठीक है, क्या आपको नहीं पता कि मैं वैम्पायर्स के आसपास ही पली बड़ी हूँ? हेलो, सब लोग कहाँ हैं? मॉम, डैड, मुझे आप दोनों की जरूरत है, तो आप यहाँ हैं। अभी भी सो रहे हैं? चलिए उठिए, रोशनी कितनी बुरी है, इसे मुझसे दूर करो। जैक, मुझे लगता है कि मैं जल रही हूँ। क्या हुआ हनी? हमारे घर में इतनी रोशनी क्यों है? आपको क्या हो रहा है? ये तो मैं कर रही हूँ। बचाओ! ओह, आप दोनों कभी नहीं सुधर सकते। जरा बाहर देखिए, कितना खूबसूरत दिन है। क्या आप दोनों ठीक हैं? कोई इस भयानक लाइट को बंद करो। क्या हम खत्म होने वाले हैं? मैं कसम खाती हूँ कि मेरा इरादा आपको चोट पहुँचाना नहीं था। सब ठीक हो जाएगा। मॉम, परेशान मत होइए। क्या आप ठीक हैं? डैड, मैं मदद करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं पिकाचू, और अब मैं एक विश मांगूंगी। हो गया, हैप्पी बर्थडे पिकाचू। तुम अब तक की सबसे अच्छी नन्ही वैम्पायर बनोगी। ये रहा तुम्हारा तोहफा, एक साल के लिए ब्लड सप्लाई का सर्टिफिकेट। वो एक ब्लड सर्टिफिकेट, शुक्रिया। मॉम, डैड, शायद ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। मैं एक पोकेमोन हूँ, मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहती। अजीब लग रहा है। बिल्कुल बुरा नहीं है, थैंक्स वाली पिकाचू। अब ये हुई ना बात, मुझे ये बहुत पसंद आया। मुबारक हो स्वीटी, अब तुम एक असली वैम्पायर हो। शुक्रिया, अब चलो चले और दुनिया पर राज करें।